कोई नहीं आया अभी, ज्यादातर लोग नहीं आए हैं। हाँ जी दिख रहे हैं जो लोग आ गए हैं। चलिए शेयर कर दीजिए सेशन को, फर्स्ट यू शेयर द सेशन गाइस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑसम 50 एमसीक्यूज। हाय विश्राम यादव, यादव दो बार यादव, हाय। तो आज हम लोग 50 एमसीक्यूज करेंगे एंड आई गारंटी कि दीज 50 एमसीक्यूज कोई भी एग्जाम दोगे आ जाएगा, खासकर डिफेंस पर्सन के एग्जाम्स में तो बिल्कुल आएगा। हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? हाउ वॉज योर संडे? Enjoyed your weekend? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई हुई? कितने बजे उठे सुबह में सब बताओ। गुड मॉर्निंग विजय कुमार, विजय विजय यू गॉट योर PDFs? PDF मिल गया था आपको हर जगह से PDF? हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू सर? चलिए तो आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, संडे का भी डिस्कस करेंगे 25th का और 26th, टुडे इज मंडे तो करेंगे ही। गुड मॉर्निंग रोशन, अच्छा जी हेलो रोशन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम सिमरन पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग सिमरन। आपको भी PDF मिल गया था, आई हैव सीन योर मैसेजेस, सबका कमेंट मैंने देखा है। गुड मॉर्निंग रजत भाई, शिवम शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज का कोटेशन है, हाँ जी चलो बढ़िया, और आप लोग शेयर कर दो सेशन को आज एकदम बेस्ट 50 MCQs, एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू डिस्कस। और कोई भी एग्जाम दो FCAT का, CDS का, या फिर अगर आप दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं उसके भी एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। यस विश्राम यादव, यादव वेरी गुड मॉर्निंग, यस मिल गया था, चलो बढ़िया। देखो आज का कोटेशन शुरू करते हैं। यस यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स, यानी कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपके लाइफ में कोई भी एम है, कोई भी लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास है। यस यू हैव गॉट इट, बट इट विल टेक एवरीथिंग यू हैव गॉट इट। इसका मतलब समझ में आया कि मैम संडे को आप क्लास नहीं लेते हो? नहीं, मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ संडे को। शॉर्ट्स देखा आपने मेरा, यूनेस्को का 39th हो गया है। चलो इसका मतलब कि जो एग्ज़ाम है, मान लो कि हमारा टारगेट है एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, और उस एग्ज़ाम में आपको चाहिए 100 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो 100 जूल ऑफ एनर्जी आपके पास है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास 100 जूल ऑफ एनर्जी रहता है लेकिन आप एग्जाम को 50 जूल देते हैं, या फिर उससे भी कम या उससे ज़्यादा, लेकिन 100 जूल नहीं देते। इसको आप इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंडों के साथ टाइम पास करने के लिए, अपने रिलेशनशिप स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो कि इररिलेवेंट है, फिर फालतू चीज़ों में लड़ाई झगड़ा करने के लिए, सोशल मीडिया को अडॉप्ट करने के लिए, उस पर बने रहने के लिए, है ना, ये सब गतिविधियाँ जो हैं आप करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सब गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो 100 जून, हाँ जी हैप्पी कारगिल दिवस, बिल्कुल, ये जो 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो इसको आप पहले अपने एग्जाम में पूरा लगा लो, पहले अपने प्रिपरेशन में पूरा लगा लो, एफर्ट लगा लो, छोटे छोटे टारगेट रखो कि आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का इतना पार्ट क्लियर कर लूँगा, पॉलिटी का ये क्लियर कर लूँगा, पुराना जो मेरा बैकलॉग है करंट अफेयर्स का उसको क्लियर कर लूँगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, ये नहीं कि एक ही बार मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा। हाँ जी आपको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल मैम संडे को ना चलो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास वो चीज़ है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, अपने आप के पोटेंशियल को समझो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या आप UPS का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो पूरा चीज़ अपने करियर को, अपने एम को, अपने ड्रीम्स को देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इट, अंडरस्टूड? सो दिस इज द ज्ञान की बात ऑफ टुडे। कुछ समझ में आया? बत्ती जली, जल गई बत्ती, सुबह उठो के और काम करना शुरू करो। अब बताओ ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और फिर से पूछा जा रहा है, तो आई वॉन्ट द आंसर कि प्रसारण दिवस, प्रसारण दिवस, कल मैंने बताया भी है प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, कल मैंने इसके बारे में बोला है, तो जल्दी बताइए। एक बता वन का मतलब स्टार्टिंग किंग, सो यू विल डू रॉन्ग स्टार्टिंग दिस, आई कांट एक्सपेक्ट। हाँ अब सही है, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? और शेयर करो ना सेशन को, शेयर कर दीजिए प्लीज़, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नवीन नेगी जी, हाँ जी चलो, तो कारगिल दिवस पर कुछ करना चाहिए, है ना।
आंसर आप लोग बताएंगे कि एक दूसरे को शुभकामनाएं बांटेंगे बस। चलो तो ब्रॉडकास्टिंग डे कल भी मैंने बताया 23rd of July को मनाया जाता है, क्योंकि कल इसका PDF नहीं था इसीलिए मैंने आज फिर से ले आया इसको। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था? 1927 में बॉम्बे की एक प्राइवेट कंपनी ने पहली बार प्रसारण किया था, और उसके बाद इसी दिन किया था, और उसके बाद 1930 में उसको वो अधीन आ गया सरकार के, दैट केम इन अंडर द गवर्नमेंट। एंड सो यस रोशन बिल्कुल आंसर सही है। आशीष कुमार आपका भी आंसर सही है, सही है शर्मा शर्मा आप सीनियर आंसर। सुप्रभात सुप्रभात। तो इसीलिए ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, G20 में जो है 20 स्टेट्स 20 कंट्रीज नहीं होती, यूरोपियन यूनियन भी होता है ना, तो उसमें तो ऑलरेडी 27 है, ब्रेग्जिट के पहले 28 था, अब कितना है 27 है। तो आप बताओ कि रिसेंटली G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग कहाँ हुई है? रशिया में, रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। फ्रांस में, फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। जापान, टोक्यो, इटली, रोम, कहाँ पे हुआ है? खड़िया तू कटी बता रहे कि उसका आंसर आ गया है गूगल की, ये गलती थोड़ी होगा। ओहो अच्छा जी, हाँ जी रोशन जी आप बहुत स्मार्ट हैं। इटली इटली, देखो इसको रिवाइज करने की तरह भी यूज़ करो इस सेशन को, मान लो कि पहले से कहीं पढ़ा होगा तो यू स्टार्ट रिवाइजिंग द सेशन। ओके इटली बता रहे हैं, बिल्कुल इटली इज द राइट आंसर, इटली इज द राइट आंसर। देखो टुडे द स्पीड में भी थोड़ा सा ज़्यादा। प्रथम आई हैव सीन योर आंसर्स, यस आई हैव सीन योर कमेंट्स ऑल्सो। हाँ जी, और हाँ आप लोगों को ट्रिक बनाना था ना नलायक बच्चों, आप लोगों को ट्रिक बनाना था अपने नेम से कुछ याद करने के लिए। नो वन हैज डन द होमवर्क, नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हैज डन द होमवर्क, एंड यू आर नॉट शेयरिंग द सेशन। वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? कौन आज सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है? चलो G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 इज वन ऑफ द इन मिनिस्टीरियल लीडरशिप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्शन क्या है? पीपल प्लानट एंड प्रोस्पैरिटी, पीपल प्लानट एंड प्रोस्पैरिटी, और कहाँ हुआ है ये? इटली में। क्लियर, ये देख लीजिए बहुत सारे देशों का झंडा है। हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखिए इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, GM क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताओ कि पहला कंट्री कौन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए बोल दिया? देखो बात क्या था इस कंट्री में, मैं आपको ये ट्रिक मिला ही नहीं, खोजने पे मिलता है, बनाने पे मिलता है, मिल जाता। देखो इस कंट्री में प्रॉब्लम क्या था कि बच्चों में विटामिन ए की कमी थी, हमारे कंट्री में भी ये प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल चावल खाने से वो तो जाएगा नहीं, तो ये लोग बोले कि हम लोग फोर्टिफाइड राइस कर देंगे, यानी कि चावल में ही कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देंगे, और वो जो नया चावल बनेगा, नया चावल राइस जो बनेगा, और ये भी बताओ तुमको व्हीट ज़्यादा पसंद है या राइस? जैसे कि आई एम अ रोटी लवर, आई डोंट लाइक राइस। हाँ, तो अगर नया जो चावल बनेगा उसमें क्या चीज़ की कमी नहीं रहेगी? विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। और ये भी बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और विटामिन ए किस किस सब्जी, मतलब सब्जी तो मैंने बोल दिया, बाकी किस चीज़ों में पाया जाता है विटामिन ए? तो क्या है? फिलीपींस, फिलीपींस आंसर आ रहा है। मैम बी फिलीपींस, मैम कोई ट्रिक मिला ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, और शेयर कर दो सेशन को। नाइट ब्लाइंडनेस बता रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस सही है, बी बी बी, हाँ जी ठीक है। फ्राइड राइस नहीं, गोल्डन राइस, मैम बी, चलो ठीक है। तो देखिए ये है चावल वो, और फिलीपींस वो कंट्री है जिसने कहा, क्या कहा? जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चिल्ड्रन में हो रहा था, तो ये बोले कि हम लोग अपने जो क्रॉप्स है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन नहीं लेना कि क्या एग्जैक्टली होता है, हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड और बीटी कॉटन, ये सब बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, सो ये ओरजेया ओडिजा सतीवा इनका नाम है अपना कुछ, ठीक है। विटामिन ए की कमी को याद रखना, अगर पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी को ठीक करता है, विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी होता है? हाँ रतौंधी होता है, बिल्कुल। चलो ICMR के बारे में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक करके सारे बॉडीज को पढ़ लिया जाए, नीति आयोग, ICMR वगैरह वगैरह। तो अब ICMR के बारे में बताओ कि देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन इसको समझ के बताओगे तो बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि इट इज़ एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी यानी कि सबसे ऊपर, मतलब कि टॉप मोस्ट,
ऑन बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। अगर आप बायोमेडिकल रिसर्च करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये बॉडी जो है वो सबसे ऊपर है। कौन सी बॉडी? ICMR, ठीक है। और फॉर्मड इन 1911 बता रहे हैं, वन करेक्ट बता रहे हैं। मैम कब स्टार्ट होता है क्लास? 7:30 बजे होता है। एवरी डे यू आर लेट, नहीं यू आर नॉट लेट, बाकी लोग इज लेट, ठीक है। परमानंद तिवारी जी, हाँ जी, पूजा सिंह राजपूत, आप भी लेट हैं, 7:30 बजे क्लास होता है, 10 मिनट लेट हैं आप लोग। डिफेंस पर्सनल यू आर गेटिंग 10 मिनट लेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑल लग रहा है, ठीक है। तो ये एपेक्स बॉडी है और इसका नाम था IRFA 1911 में जब ये बना, और फिर 1949 में इसका नाम ICMR हो गया, चलो ठीक है। और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ, दोबारा हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेयर में, फैमिली वेलफेयर में आता है। तो येस, एब्सोल्युटली ऑल द आंसर्स आर राइट। सेकेंड लग रहा है, वन लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, सब आंसर सही है। देखो ये है एपेक्स बॉडी, ठीक है। और पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, याद रखना, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसी तरह कर करके हम लोग धीरे धीरे सारे बॉडीज, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी होते हैं ना, ICMR, नीति आयोग, ये वो सब क्लियर कर लेंगे। याद रखना 1911 में बना था, उस समय इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, और अब 1949 हो चुका है और अब इसका नाम है ICMR, ठीक है। और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, जैसे आई हैव टोल्ड यू गाइस। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस, इनको मिला है पेरू इवेंट में। पैराशूटर यानी कि जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, अलग टाइप के नहीं होते, सब सेम ही रहता है, बस इनके पास कुछ स्पेशल, स्पेशली एबल्ड, जैसे कि पहले आप लोग इनको दिव्यांग कहते हैं ना, पहले हम लोग डिसेबल कहते थे, अब स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, हाई रिस्पेक्ट। तो पैराशूटर रूबीना फ्रांसिस जो है वो पेरू इवेंट में जीती हैं गोल्ड, बड़ी बात है। और किस स्टेट के ही है? हाँ जी, मध्य प्रदेश बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की ही है, ठीक है। तो ये है इनका फोटो और ये मध्य प्रदेश है और जीती है, बस इतना ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ ये अपना कोटा सिक्योर कर ली पैरालंपिक्स में, जो कि टोक्यो समर ओलंपिक्स में के साथ होने वाला है। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज, एक नया, देखो मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि ये डिफेंस का चैनल है, तो सारे मिसाइल, सारे ड्रोन, सब स्पेस एयरक्राफ्ट वगैरह कैरी करने का, मतलब कैरी करने का नहीं, क्लास में डिस्कस करने का, क्लास में कैरी ऑन कराने का। सो दिस इज अ क्वेश्चन कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आया है जिसका नाम है चेकमेट। जो लोग चेस खेलते हैं उनको समझ में आता है वो चेकमेट क्या होता है। तो ये किस कंट्री का है? USA का है, चाइना का है, रशिया का है, इसराइल का है? यू टेल मी दिस एंड गाइस शेयर द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन, शेयर करो सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि देखो 50 बेस्ट MCQs जो कि एग्जाम में 110% आएंगे, ठीक है, 100% दिस विल कम इन योर एग्जाम। आज का सेशन, पिछले मंडे का सेशन, यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी आप लोग भी देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो शेयर इट। ओके, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स, येस रशिया इज द आंसर, येस एब्सोल्युटली राइट। और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो। देखो रशिया फ्लाइट टेस्ट एंटी सैटेलाइट है, जहाँ सैटेलाइट दिखेगा ये इसको उड़ा देगा, ओके। और ये रशिया सिखोई एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो, ये सब तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये SU सुकोई है ना, 57 फाइटर जेट का नया वर्जन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NCC एक अलग से वैकल्पिक विषय बन गया, इलेक्टिव सब्जेक्ट, कि अब जैसे आप लोग रखते हैं ना कि साइड में मैं फिजिकल एजुकेशन रख रहा हूँ या ऐसे, तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बन गया है। ये कौन से स्टेट में बना है? यूनिवर्सिटी तो है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी नेहू, तो ये कौन से स्टेट में बना है? 7 का आंसर बताइए जल्दी, हरी अप गाइस एंड प्लीज शेयर। एंड देखो ज़्यादा लोग देख रहे हैं और लाइक भी पा रहे हैं ये, बस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दो पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दो। टेल एवरीवन दैट अ वेरी गुड सेट ऑफ करंट अफेयर्स इज बीइंग डिस्कस, और जो लोग 7:30 बोल के 8 बजे आते हैं उनको भी बताया जाएगा, ठीक है, सबका हिसाब होगा आज। हरी अप एंड आई टू डिस्कस मेनी क्वेश्चन, सो हरी अप हरी अप, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ 7, 7 का आंसर नहीं आ रहा है, गूगल करने गया आप लोग? मणिपुर आंसर नहीं है रजत कुमार भट्ट, मेघालय आंसर है, मेघालय में बन गया है NCC, याद रखिएगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आपको करना है UGC प्रोग्राम मेघालय से, और आपको NCC एज अ सब्जेक्ट लेना है, तो आप चले जाइए मेघालय, वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ मणिपुर नहीं आंसर आशीष,
चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया है. सिक्किल आर भास्करन, अब आपको बताना है कि ये क्या चीज के, मतलब क्या प्लेयर थे, स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं, वायलिन प्ले करते थे, सितार प्ले करते थे, तबला या फ्लूट, व्हाट ही यूज्ड टू प्ले, टेल मी द आंसर. आ गया आंसर, किंगसुक मुखर्जी का आंसर आ गया, विच इज राइट, किंगसुक इज नेवर रॉन्ग. सो ये है आपके कौन, भास्करन साहब, और ये कर रहे हैं वायलिन प्ले. ठीक है, ये रेडियो में भी काफी दिन तक काम किया और इनका निधन हो गया है. ग्रेट टैलेंट ऑफ द कंट्री. अब बताओ कि भारती एयरटेल ने किसके कोलैबोरेशन से 5G नेटवर्क स्टार्ट किया है. तो इसने किसके साथ कोलैबोरेट करके 5G नेटवर्क स्टार्ट किया है, गूगल के साथ, इंटेल के साथ, विप्रो के साथ या डेल के साथ. टेल मी द आंसर एवरीवन. ओके, 9 का भी आ रहा है इंटेल. किंगसुक का आंसर सही होता है, इनका रिविजन सही से हो जाता है ना, किंगसुक न्यूज़पेपर पढ़ के बैठते हैं, यहाँ पे रिविजन हो जाता है इनका. चलिए इंटेल बता रहे हैं. 7 कहाँ आ गया शिवम शर्मा, आप 7 में है क्या अभी. इंटेल गूगल नहीं है मीनाक्षी जी, इंटेल है रोशन. हाँ जी, गूगल कर लिया, इंटेल है. चलो, तो भारती एयरटेल दिख रहा है, ऐसे याद रहेगा आपको. इंटेल और एयरटेल, इन दोनों के कोलैबोरेशन से अब ये क्या कर रहे हैं, 4G. अभी तक तो बहुत लोग के पास यहाँ 5G बना रहे हैं, 5G डेवलपमेंट, नेटवर्क डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, याद रहेगा, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी बैंक के एग्जाम में भी आ जाता है. तो अब बताओ कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बोला कि मेल फुटबॉलर किसको दिया है, मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है, मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर. इंटेल बता रहे हैं, हाँ जी इंटेल तो सही है. बताओ कि AIFF किंगसुक का नेट बहुत फास्ट है ना, किंगसुक कौन सा प्लान है तुम्हारे पास. 10 का ए बता रहे हैं, हाँ जी संदेश झिंग झांग. सी दिस हैंडसम पर्सनालिटी, इनका नाम है संदेश झिंगझांग, और यही बने हैं AIFF. और ये पहले 2014 में इमर्जिंग प्लेयर थे. तो अगर आप लोग को पता है कि इस साल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो आप लोग वो भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. अतीत कामत रोशन, सबका आंसर सही है. प्रथम, आपका भी आंसर सही है. एंड गाइस, शेयर द सेशन, कॉल योर फ्रेंड्स, टेल दैट अ वेरी गुड सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस्ड वेयर ऑन अड्डा डिफेंस. मैम हमारा लाइव चल रहा फिर भी डिले कैसे हो रहा है, क्यों. देखो यार, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार वापस जाके चले मत जाना, वापस जाके आ जाना. ठीक है, अब बताइए मार्था के बारे में मैंने काफ़ी कल बहुत पढ़ा है. ठीक है, तो इन्होंने 5 ओलंपिक, मतलब ये पहली ऐसी बनी है जिन्होंने फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने लगातार 5 ओलंपिक में स्कोर किया है, मतलब गोल किया है. फुटबॉल खेलती हैं ये, तो इन्होंने लगातार 5 ओलंपिक में गोल किया. अब आपका नाम ये बताना है, इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ न्यूज एप्स एंड डेली. हाँ जी किंगसुक, वेरी गुड, रिविजन हो रहा है. तो अब आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं कौन, मार्था किस कंट्री से बिलोंग करती है. हरियप, द कंट्री ऑफ फुटबॉल, विच इज द कंट्री ऑफ फुटबॉल. एंड गाइज लाइक द सेशन प्लीज. ब्राजील आज आ गया प्रथम का आंसर, पहले किंगसुक का पहले आंसर आ गया है. परमानंद तिवारी का भी आंसर आ गया, अतीत का भी आंसर आ गया. हरियाप एवरीवन, स्टार्ट गिविंग द आंसर्स एंड लाइक एंड शेयर द सेशन बिकॉज 50 MCQs विल बी डिस्कस टुडे. चलो ठीक है, द आंसर इज मार्था. ठीक है, ये जो है 7th वर्ल्ड रैंक में थी और इन्होंने, ये पहली प्लेयर है जो लगातार 5 ओलंपिक्स में स्कोर किया है इन्होंने. तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मार्था कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, फुटबॉल, किस कंट्री से खेलती है, ब्राजील. चलो हाँ जी, ब्राजील आ रहा है आंसर, अब सबका आ रहा है. अब बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है उड़ान स्कीम है. इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए लाती हूँ कि only 1, only 2 इस टाइप का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में डर ना लगे. ओके, हाँ दिस टाइम फॉर अफ्रीका. ठीक है, याद है मुझे शकीरा का गाना वो वाला. तो अब बताओ कि उड़ान स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है. पहला क्वेश्चन कि क्या ये, देखो इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट का स्कीम है. सेकंड है, ये लॉन्च हुआ था 2018 में. फिर है कि इट इज़ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर अंडर सर्व्ड, मतलब कि जिनको कम सर्विस मिल रहा है कोई भी चीज़ का, या फिर जो अनसर्व्ड है जिनको सर्विस मिल ही नहीं रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके सामने और ये चौथा स्टेटमेंट है कि ऑल करेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये ऑल लग रहा है इनको। अच्छा जी, उड़े देश का आम नागरिक कह रहे हैं आशीष जी, ठीक है उड़ा दो। टू इज रॉन्ग बोल रहे हैं प्रथम जी। हरी अप गाइस, टेल मी द आंसर और बताओ, शेयर करते रहो प्लीज। मल्टीटास्किंग, आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, आई एम सीइंग योर कमेंट्स, आई एम टेलिंग अबाउट इट एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो। ऑल सेकेंड करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है मैम, थर्ड इज राइट। अच्छा राइट, डब्ल्यू वाला राइट। देखो पहले तो ये उड़े देश का आम नागरिक है ना, उड़ाना है। उड़े देश का आम नागरिक तो ऐसे तो हवा में उड़ेगा नहीं, एयर फ्लाइट से उड़ेगा, प्लेन से उड़ेगा। तो प्लेन किसके अंदर आएगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नहीं, ऑल नहीं आंसर। ये क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होगा, है ना। लॉन्च कब हुआ है इसको? दो मोदी जी आते ही लॉन्च कर दिए थे, 2016 में लॉन्च हो गया था, 2014 में मोदी जी आए, फिर 2016 में लॉन्च कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ये बात तो सही है कि ये रीजनल कनेक्टिविटी। अब स्कीम को समझो, तो समझ में आ गया थ्री है आंसर, ठीक है। अब स्कीम को समझो, स्कीम में क्या बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह है वहाँ पे तो बहुत सारा एरोप्लेन है, रोज़ ही लोग उड़ जाता है, मतलब आधे घंटे का फ्लाइट, 15 मिनट में बात फ्लाइट। लेकिन बहुत सारा जगह है जहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स या टाउन में रहते होंगे जहाँ पे PPDT नहीं बदला तो, अच्छा वाइट वाला लेआउट। तो ये क्या बोल रही थी, तो छोटे छोटे टाउन में नहीं रहता है ना, एयरपोर्ट नहीं रहता, या फिर बहुत सारे कम फ्लाइट आते हैं। मैं एक बार गई थी, आई गेस आई वॉज इन जबलपुर, तो वहाँ पे मतलब आई वॉज द ओनली पर्सन जो लैंड किया था, मतलब होता है ऐसा। तो इसीलिए उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये उड़े देश का आम नागरिक निकला है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नया ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो। मैंने कल क्लियर किया है व्हाट इज ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम ऑन मैच द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कथकली, सातरिया और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी किस किस स्टेट के क्लासिकल डांस है। देखिए जब आप डांसेस के बारे में पढ़ेंगे, डांसेस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे दो डांसेस रहेंगे, एक होगा क्लासिकल डांस और एक होगा फोक डांस। क्लासिकल डांस में टोटल 8 डांसेस हैं और बाकी जितने हैं वो फोक डांस हैं। तो अब आप लोग बताओ कि ये जो है ये तो क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है। अब ये क्लासिकल डांस जो है इसमें 4 डांसेस आपके सामने हैं, आपको करना है मैच द फॉलोइंग। पहले बताओ कि कथकली जो है वो किस स्टेट का डांस है, कथकली किस स्टेट का डांस है। खड़ी अब कथकली, जिसमें पूरा वो नहीं डरावना दिखते हैं वो लोग, बी बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहे हैं कथकली। अच्छा 13 का भी बता रहे हैं, अंजी 13 का बी क्यों कैसे बता रहे हो, 13 का आप लोग बी बता रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। यूपी कथकली नहीं, वो तो कथक है, यूपी नवीन नेगी जी, दैट इज कथक, दैट इज नॉट कथकली, कली भी लगाना है। देखो पहले समझो, कथकली जो है वो केरला का है, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। कथकली कहाँ का है? केरला का है। तो या तो ए हुआ या तो बी होगा, है ना, क्योंकि ए जो है ए बी सी डी, ए जो है वो 2 तो सिर्फ 2 में है, क्लियर क्लियर। अब फिर सातरिया जो है वो असम का है, सातरिया कहाँ का है? असम का है। ये 4 ये है, मैं आज 8वां क्लियर करूंगी, सो प्लीज शेयर इट, शेयर द सेशन, ठीक है। सातरिया कहाँ का है? असम का है, क्लियर। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। सो देखो नाउ इट इज क्लियर। अब तो भरतनाट्यम अगर तमिलनाडु का है तो सी का 1 हो सकता है, ये तो होगा नहीं। और फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो काफ़ी लोग स्टार्टिंग में ही 1 कह रहे थे, फिर बहुत लोगों ने ए भी कहा, फिर बहुत लोगों ने सी भी कहा, अब तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर है, है ना। डी का 1 नहीं होगा, कुचिपुड़ी इज ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हाट यू आर टॉकिंग। सी देखो एक एक करके समझो, देखो ये मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम में क्या होता है कि विमेन जो है ये इस तरह का व्हाइट कलर का साड़ी पहनती है, ठीक है, और ये गोल्डन बॉर्डर रहता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, क्लियर, केरला का है मोहिनीअट्टम। एनडीए का कोर्स कब शुरू होगा? बिल्कुल शुरू होगा। कथक जो है ये नॉर्थ, जितना भी नॉर्थ वाला पोर्शन है, खासकर यूपी बिहार ये सब जितना है वहाँ पे नॉर्थ में
यही होता है कथक। ये देख रही है, देख रहे हैं आप लोग, अनारकली सूट पहन के ये जो डांस कर रही है, कथक बहुत सुंदर होता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनी का मतलब ही होता है, मोहिनी मतलब एक सुंदर औरत, मोहिनी बोलते ना, मन मोहिनी, और यत्तम वो डांस कर रही है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। ये केरला का है, ये यूपी का, मणिपुर से, तो मणिपुरी से पता चल रहा है मणिपुर का, ये मणिपुरी है आपका। ठीक है, फिर कथक कली, देखो इस तरह का मास्क पहनते हैं ये लोग, इस तरह का मास्क पहनते हैं। अगर ब्लू मास्क है यानी कि वो राम का रोल कर रहा है, ग्रीन मास्क है यानी कि वो रावण का रोल कर रहा है। तो ये कलर का काफी कोडिंग है, ये काफी डरावने लगते हैं, फिर आईब्रो ऐसे ऐसे करते हैं। तो कथक कली कहाँ का है? केरला का है। क्लियर। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम में सारा भारत नाट्यम सबका मीनिंग है, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे। वो अलाड़ीपू करना क्या होता है ये सब। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। क्लियर गाइस। सातरिया कहाँ है? सातरिया देखिए, ये है सातरिया। ठीक है, ये दिख रही है थोड़ी चाइनीज टाइप की, देखिए ये आसाम का है, आसाम का है सातरिया। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इस ये है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का, और ओडिसी, ओडिसी भी इसी तरह का दिखता है, मतलब इस टाइप का दिखता है ओडिसी। ठीक है, सेम ही है, ये है आपका ओडिशा का। क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। यही आपका आर्ट क्लासिकल डांस। लोग यक्षगन्ना को कन्फ्यूज करते हैं, यक्षगन्ना अभी क्लासिकल डांस में नहीं आया है, और अगर पूछा जाए कि यक्षगन्ना कहाँ का है, तो यक्षगन्ना इज ऑफ कर्नाटका। ओके, क्लियर एवरीवन, क्लियर। और बाकी जितना भांगड़ा वांगड़ा देखते हो, ये सब आपका फोक डांस है। सो दिस इज नॉट क्लासिकल डांस, दिस इज फोक डांस। ठीक है, साहित्य नाट्य अकेडमी के अंदर आता है ये सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेयर हैज बैग द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय कौन जीता? मेन में जीता है नोवाक जोकोविच। किसको हटाया, हराया है? बर्रेटिनी को हराया है, वो नए प्लेयर हैं, लेकिन तो भी फाइनल तक पहुंच गए। तो अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन जीता है, हु इज द प्लेयर? मैम आपका स्टेट का डांस क्या है? हमारे स्टेट में क्लासिकल डांस नहीं है, और अगर होता तो वो कथक ही होता। कथक साउथ के तो हम हैं नहीं, तो कथक कली कुचिपुड़ी तो होगा नहीं, बाकी जो है वो अगर माना जाए तो एक तरह से कथक है। सी सी एंड आई ऑल्सो नो कथक। सी 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 नमामी ओसाका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिफीटेड, बिल्कुल ये विनर रही है। ठीक है, और इनको डिफीट किया गया है, जेनिफर ब्रैडी को डिफीट की है, ये रनर अप रही है। अंडरस्टूड। सो ये है नुमामी ओसाका। ये फोटो भी याद रहना चाहिए ना, आजकल केबीसी में पूछता है वैसे कि फोटो दिखा देगा ये कौन है, या फिर आवाज़ सुना देगा, तो ये सब भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो नुमामी ओसाका है, ठीक है, जापान की है, और ये अमेरिका के जेनिफर ब्रैडी को हरा चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल्स में। मैम आप एमपी से हो? मैम मैं एमपी से हूँ। अच्छा, बिहार में भोजपुरी डांस होता है? हाँ जी रोशन जी, अच्छा आता है आपको भोजपुरी? चाबा कल में कूद के जान दे देना है। डुबड़ी फुलवाड़ी पुल, डुबड़ी फुलवाड़ी पुल जो है ये अभी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। मोदी जी को इनॉग्रेट करना बहुत पसंद है, जाके रिबन काटना उनको बहुत पसंद है, और आप लोगों को सेशन लाइक करना नहीं पसंद है, इसलिए आप लोग सेशन लाइक नहीं करें। देविका शर्मा 5:15 का सी बता रही है, तो हाँ बिल्कुल 15 का भी बता रहे हैं लोग, रजत जी भी बता रहे हैं, और आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ शेयर करना है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, और बताना है कि 50% MCQs आर बीइंग डिस्कस्ड नोवेयर एल्स बट इन अड्डा डिफेंस, ऑन अड्डा डिफेंस। 14 का सी, 14 हो गया। इसका आंसर आसाम है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, आसाम डुबड़ी। ठीक है, ये आसाम के डुबड़ी को और मेघालय के फुलवाड़ी से कनेक्ट करेगा, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, मोदी जी ने इनका रिबन काट के उद्घाटन कर दिया है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है, आपको पता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, और अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, ह्यूमन राइट से रिलेटेड होगा, तो वो एमनेस्टी करेगा। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो गया तो। ठीक है, तो आप बताओ कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सा रैंक है इंडिया का? ये मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट रैंक जो है वो न्यूजीलैंड का है, और अगर कोरोना से लड़ने का भी बात होगा तो फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड का ही है। नमस्ते एच आर रेमिक जोन, यू आर वेरी लेट, आधा घंटा लेट यू आर। चलो 86 आ रहा है आंसर, तो यस 86 इज द आंसर। ठीक है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड को सेम पॉइंट मिला है। ठीक है, 1-2 कर दिया गया है, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों को सेम पॉइंट मिला है,
और ये टॉप पे हैं दोनों। और न्यूजीलैंड जो है वो कोरोना वाले में भी टॉप पे है, और इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी ख़राब है, 86 है। फिर चाइना का जो है वो 78 है, हमसे अच्छा है। नेपाल का भी, नेपाल का 117 है। और इस जो एरिया है उसमें भूटान का रैंकिंग काफ़ी अच्छा है, भूटान को मिला है 24th रैंक। ठीक है, तो हमारे आसपास के देशवासियों में भूटान जो है सबसे अच्छे हैं, बाकी जो हम लोग तो पाकिस्तान 124 पे, ये सब याद करने जाते हैं, भूटान का ध्यान रखना बस। हाय पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र दो बार नाम तुम्हारा पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र है या पुष्पेंद्र? नाउ यू टेल मी। अच्छा यू नो, अगर अगर कोई लड़की अपने पापा को, अपने पापा को धक्का देती, पुश करती, तो उसका नाम क्या होगा? पुष्पेंद्र जी बताइए। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों रिलीज करेगा? वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करेगा। आई टोल्ड यू दिस कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, यूएस बता रहे हैं, यूएस। हाँ जी, आप लोग ये बताओ क्या नाम होगा उस लड़की का? पुष्पेंद्र। यूएस बता रहे, बिल्कुल। एफडीआई सबसे फ्रेंडली स्टेट, मतलब जा लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ करते हैं? हाँ पुष्पा होगा, वेरी गुड। तो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहाँ करते हैं? यूएसए में करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो आया है बाय यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लोग एफडीआई का इनफ्लो कहाँ करते हैं? अमेरिका में करते हैं। स्लो, अच्छा स्लो मोशन हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ यू सी, ये रिलीज कौन करेगा? ये अनकैट करेगा। ठीक है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूएस टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर हांगकांग है, और इंडिया का पोजीशन है फिफ्थ पोजीशन है इंडिया का। अब बताइए कि अलेक्जेंडर डैलरिम्पे अवार्ड, डैलरिम्पे अवार्ड किसको मिला है? हु वन अलेक्जेंडर डैलरिम्पे अवार्ड्स? टेल मी दिस गाइस। राजीव मेहता को मिला है, अर्जुन जी को मिला है, विनय या फिर हेमंत सिंह को मिला है? अच्छा इंडिया भी होना चाहिए, किस चीज़ में होना चाहिए? और कल का न्यूज़ आप लोगों ने देखा है? कल का शॉर्ट्स देखा है? सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, ये हैं आपके नेवी ऑफिसर और इनका नाम है विनय भादवार। मैम आज की पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी पीडीएफ। तो इनको मिला ये अवार्ड, और ये हाइड्रोग्राफर को मिलता है, यानी कि पानी, हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं ना पानी के बारे में आप लोग, तो हाइड्रोग्राफर जो उसके बारे में कुछ खोज करता है या रीसेंट कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स होता है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। ये किसके नाम पे? अलेक्जेंडर डैलरिम्पे के नाम पे। ये आदमी थे जो हाइड्रोग्राफर थे, और इनके नाम पे अवार्ड मिलता है, जो कि अब इंडिया में विनय भादवार जी को मिला है। हाँ जी एडमिरल, बिल्कुल। अब बताओ कि कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि कोरोना से हम लोग कैसे लड़े हैं, उसके इंडेक्स के में इंडिया का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स? हरियो गाइस, आई हैव टू डिस्कस मेनी क्वेश्चंस टुडे एंड आई हैव टू आल्सो डिस्कस मैप, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। विजय भादवार एडमिरल हैं। हाँ जी ये तो हो गया, आगे बताओ। शेयर द सेशन गाइज। 18 का सी बता रही है, 18 हो गया शिवम शर्मा, 18 हो गया। एच आर रेमिक जोन जो है वो ए बता रहे हैं, 87 बता रहे हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन आज इसलिए लाए हैं क्योंकि करप्शन में भी 86 है इंडिया, और कोरोना वाले में भी 86 है, याद रखिएगा। हाँ जी 86 है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और न्यूजीलैंड उसमें भी टॉप पे था, इसमें भी टॉप पे, वहाँ पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों टॉप पे था, इसमें सिर्फ न्यूजीलैंड टॉप पे। ये ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक रिलीज किया है, और ये सब देख लीजिएगा। और बाकी इंडिया जो है उसका रैंक उसी तरह से 86 पे है, हम लोग अभी भी यहाँ 86 इंडिया का फेवरेट टीम, फेवरेट नंबर है। आप लोगों को पता है कि कोई प्लेयर जो 86 नंबर का जर्सी पहनता हो तो बता दो। और इसी के साथ अब करेंगे हम लोग एडवर्टाइज में, देखिए पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप सेशन को शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, और बहुत सारा प्लेटफॉर्म जिसका शायद मुझे नहीं पता है, वहाँ पे आप सेशन को शेयर कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा सेशन चाहिए, इस तरह का सेशन चाहिए या नहीं, रोल्स कितने क्वेश्चंस चाहिए, लेआउट कैसा है, कुछ भी, वट एवर सजेशन यू वांट, एंड होमवर्क आल्सो यू कमेंट इन द सेशन। और अगर आपको कोई भी पैक लेना है, महापैक इज़ वेरी गुड, अभी उसका बहुत सही चल रहा है, महापैक इज़ गुड, टेस्ट सीरीज इज़ गुड, बहुत सारे पैक्स हैं वो लेने हैं, तो आप Y332 का इस्तेमाल करके वो कोड, वो पैक ले सकते हैं। बाय मत बोलिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज,
हाँ जी, यूज कोड Y332। बिल्कुल मैम, प्रणाम है, दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ ठीक है प्रदीप, दिल दिल से आशीर्वाद है आपको, जो भी आप करें उसमें आप सफल हो जाएं। अब बताओ, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया। मैम होमवर्क कमेंट किया है? नहीं, कल कल कहाँ होमवर्क मिला यार। तो बताओ कि रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया जो लॉन्च है किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो इंटीग्रेशन रिन्यूएबल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरी अप गाइस, प्लीज टेल टेल टेल। स्किप क्यों कर रहे हो यार? अच्छा क्वेश्चन है, स्किप मत करो। ए बता रहे हैं, ए आंसर नहीं है। चलो एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? ए आंसर नहीं है इसमें। जल मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, जल मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, नीति आयोग ने किया था ये पता है। ठीक है तो नीति आयोग वाला कर लेते हैं भाई, नीति आयोग तो तीन में है। सी बता रहे हैं, सी ही है आंसर। हाँ जी बिल्कुल, सी ही आंसर। देखो ये रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया हुआ है, ठीक है, नीति आयोग ने किया है और IEA ने किया है, IEA ने किया है। और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा जब आपको PDF मिलेगा, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बताइए, अब देखो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि आप लोग सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और बिल्कुल खाद्य और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसी तरह से अपने खेत को बनाएं। सिमी झा, सी सी होगा ना आंसर, एक ही बता रहे हैं। उसी तरह से अपने खेत को बनाएं, फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कम करें। तो इसको कहते हैं भारतीय प्राकृतिक यानी कि नेचुरल कृषि फार्मिंग पद्धति। पद्धति मतलब कि फॉर्मेट, प्रोसेस, स्कीम। तो भारतीय इंडियन हो गया, प्राकृतिक हो गया, नेचुरल कृषि पद्धति, समझ में आया? ये प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इसको धीरे धीरे समझने का कोशिश करो। हाँ नेचुरल खेती, ठीक है, धीरे धीरे समझने का कोशिश करो। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि इट वॉज लॉन्च इन 2018 ये बोला गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन करो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि होता है। कल 9 बजे वाला सेशन हुआ क्या? नहीं जी, संडे को नहीं, ठीक है। अब सेकेंड जो था वो सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि योजना। परंपरागत वही पुराने तरीके से जैसे हम लोग कृषि करते थे, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे और जो भी फल सब्जी होगी जब हम लोग उसको खाएं तो हमें भी नुकसान ना पहुंचे। GM क्रॉप, BT क्रॉप, बहुत सारा फर्टिलाइजर, ये सबसे क्या होता है पता है? जो क्रॉप उगता है हम लोग खाते हैं तो फिर वही सब बीमारी, कैंसर, फलाना ठिकाना, तो ये सब भी होता है। अब बताओ कि इसमें से कौन सा सही है? काफी लोगों को नहीं पता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट लाया गया है ना, वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि ये बिल्कुल नया स्कीम है। मैम आप कल कह रहे थे कि मैं कल पढ़ाऊंगी CA, तो पढ़ा तो रही हूँ करंट अफेयर्स। तो देखो ये इसीलिए ये पूछा गया है क्योंकि ये बिल्कुल नया स्कीम है, 2020-2021 का स्कीम है। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखोगे, कौन सा स्कीम? ये वाला, भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति, BPKP। माई नेम इज ऑल्सो KP ओनली। और ये सेकेंड वाला बात सही है, इट इज अ सब स्कीम, परंपरागत कृषि के अंदर ही ये आता है। हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड सही है, सही है। तो इसी तरह आप लोग एलिमिनेट कर करके करिए। टेस्ट तो टेस्ट के साथ ही तो पढ़ा रही हूँ साथ में, तो कैसे पढ़ाऊँ कि एकदम सिर्फ नॉर्मल पढ़ाऊँ? हाँ जी कुमुद द्विवेदी जी बिल्कुल, धन्यवाद। कनक पारिक मैम टू, तो देखो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। क्लस्टर अप्रोच, क्लस्टर अप्रोच का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक फार्मर है उसके पास 50 एकड़ तक का लैंड है मिनिमम, तो वो सारे लोग जो है आके जुड़ जाएंगे और बहुत बड़ा सा एरिया देंगे, जैसे कि सिक्किम में हुआ, ठीक है। वो क्लस्टर अप्रोच अपनाएं कि सारे लोगों ने एक टीम बना लिया और टीम के साथ इन लोगों ने क्या किया कि बहुत बड़ा सा लैंड दे दिया और इसी तरह से सिक्किम बन गया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला डे वाला स्टेट। बायोमास रिसाइकिल यानी कि जो भी चीज़ों का उसको रिसाइकिल करेंगे, सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, काउ डंग यूज़ करेंगे, सॉइल एरेशन करेंगे। देखो एक चीज़ समझ लीजिए कि टॉप सॉइल में पानी का कंटेंट होता है और सब सॉइल में जो लाइट कलर का सॉइल होता है उसमें वाटर का, उसमें एयर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब आप उसको ऐसे खोद के कुल्हाड़ी से निकालते हैं तो दोनों चीज़ होना चाहिए, पानी और वाटर दोनों उसमें रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका लूमी सॉइल है और फिर आपका सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में ज़्यादा वाटर एयर रहता है, लूमी सॉइल में ज़्यादा
क्या रहता है, क्ले सॉइल में ज्यादा पानी रहता है तो उसको मिक्स करके लूमी बना दिया जाता है लेट अराइवल के लिए। सॉरी कोई बात नहीं, क्रेजी बता रहे हैं। अच्छा क्रेजी, एक सेकंड मैं आपका देख लूँ, ठीक है। तो सॉयल एरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि सॉयल को ऐसे जोत के उसको छोड़ देना ज़रूरी है, और ये 12,200 से 12,500 रुपये देंगे 3 साल के लिए। तो इसी तरह से बन जाएगा आपका क्लस्टर अप्रोच। मैम आपका नाम कृति पांडे, अच्छा ये कैसे समझ में आया आपको, पांडे भी बता दिया। ये बता रहे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में मैंने 2 बार फॉर्म भर दिया, मेरा फॉर्म में कुछ गलती हो गया, इसलिए मैम मेरा एडमिट कार्ड आएगा या कैंडिडेटचर कैंसिल हो जाए। सर आप एक मेल कर दो, फटाक से मेल कर दो उसको उनको। मैम मैं अभी 23 ईयर्स का हूँ, मेरे पास कितने अटेम्प्ट हैं एफ कैट के साथ में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। एफ कैट के 2 फॉर्म निकलते हैं और 24 साल तक का होता है ना, तो 24 साल में आपके 2 अटेम्प्ट बाकी है। मैम टेलीग्राम पर आपका चैनल है? नहीं जी टेलीग्राम पे मैं नहीं हूँ। और ठीक है चलो, हो गया सारा डाउट क्लियर। मतलब कि जो टॉपिक है उसको छोड़ के सारा चीज़ आ गया है यहाँ पे। अब बताइए 23 का, 22 का डी आ गया है, किंगसुख मुखर्जी का आंसर आ चुका है। किंगसुख मुखर्जी बोल रहे हैं मेघालय मेघालय मेघालय। मैम आप इंस्टा आईडी नेम बताओ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ रोशन। आपको लग रहा है इतने सारे करंट अफेयर्स लाने के बाद में बस टाइम रहता होगा? आसाम नहीं है, लॉन्गेस्ट आसाम वो वाला है, डुबड़ी फुलवाड़ी वाला, फुलवाड़ी मेघालय में है और आसाम में है डुबड़ी, वहाँ पे है ये वाहड़ेओ जो है ये मेघालय में। देखिए चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर किए हैं, जिनका नाम है कोनार्ड संगमा है इनका नाम, ठीक है याद रखिएगा, संगमा। यहाँ पे भी कोई मैसेज करता है उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है, संगम नाम है ना, संगम गुड मॉर्निंग अंजी, देखिए आपके नाम की तरह एक और है, चीफ मिनिस्टर है वो। तो ये मेघालय के हैं और इन्होंने इनॉग्रेट किया है, क्लियर। अब बताओ 23 का आंसर क्या है, 23 का आंसर बताइए जल्दी, हरियप हरियप हरियप। 23 का आंसर बताइए गाइस, हरियप। एंड शेयर द सेशन, कॉल एवरीवन, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल्सो लाइक द सेशन। डी बता रहे हैं NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर रूरल प्रोडक्शन। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा मैं बता रही हूँ। मैम सी कनक पारिक सी बता रहे हैं और डी 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 हेल्थ आ रहा है आंसर, फार्मर आ रहा है। देखो यही तो बात है इसमें, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा या तो फार्मर है या तो हेल्थ है ना, लेकिन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक तक तो बात सही है, प्रोडक्शन भी तो ध्यान रखो, प्रोडक्शन किसका है, कॉमर्स का है ना प्रोडक्शन। देखिए ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये जो है अपेडा का है, अपेडा विंग है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है। गुड मॉर्निंग प्रांश प्रकाश, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये फार्मर वेलफेयर के अंदर नहीं है, इसका प्रोडक्शन का काम है, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, क्लियर गाइज। मैम एक स्लाइड हिंदी, देखो हिंदी वाला प्रॉब्लम मैं बताती हूँ सर, ये डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस का लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो आप यू ट्राई टू बी मोर कंफर्टेबल, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होने का कोशिश कीजिए। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने का कोशिश कीजिए, भले लोग आपको पागल समझेंगे लेकिन तो भी यू ट्राई दैट, ठीक है। हिंदी वाला अभी छोड़ दो वहाँ पे, और टीचर्स में दोनों स्लाइड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्लाइड है। नाउ यू टेल मी द क्वेश्चन ऑफ 24 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। बी आंसर नहीं है, कॉमर्स वाला, कॉमर्स इंडस्ट्री आंसर है, सी है आंसर, आई हैव टोल्ड यू दिस। हरियो गाइस टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पे कि इंडिया, ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में जीवी कहते हैं इसको, GIBI, ठीक है जीवी, ये आई फालतू का है, अच्छा नाम बोलने के लिए हम लोग जीवी बोलते हैं। तो ये क्रिटिकली, मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है। सी बता रहे हो और डी भी बता रहे हो, फॉल्स पूछ रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये स्टेट बर्ड है लेकिन गुजरात का स्टेट बर्ड नहीं है, राजस्थान का है, और देयर वर नो गिबी इन कच्छ, ही बात बिल्कुल सही है, कच्छ जो है गुजरात में है, और यहाँ पे पहले बहुत सारी आती थी ये चिड़िया, लेकिन ये चिड़िया उड़ गई सारी और अब नहीं आती है। तो सी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्लियर। सो ये है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ठीक है।
है? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NORD नॉड, वन प्लस वाला नॉड, फाइव नहीं ये नॉर्मल वाला नॉड, ठीक है। स्ट्रीम लाइन पाइप लाइन प्रोजेक्ट है, ये स्ट्रीम पाइप लाइन प्रोजेक्ट है, तो ये किस दो कंट्रीज के बीच में है? मैम बी रॉन्ग, अच्छा बी फॉल्स, नहीं उसका आंसर डी है। हाँ ठीक है गुजरात। ये वाला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, एंड गाइस शेयर द सेशन, व्हाट आर यू डूइंग। 25 क्वेश्चंस हो गए, वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 मोर, सो प्लीज हरी अप। 25 का ए बता रहे हैं जर्मनी रशिया बता रहे हैं, बिल्कुल 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 सीधा मैम। देखो यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है, यहाँ पे रशिया है, और ये जो नॉर्ड है, नॉर्ड स्ट्रीम लाइन प्रोजेक्ट, इसको कनेक्ट करने वाला है, क्लियर है। इसमें और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है, नेचुरल गैस यहाँ से आएगा, रशिया से आएगा, जर्मनी रशिया के पास ज्यादा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसी के साथ बिजली चली गई है, प्लीज स्विच ऑन द बल्ब। CBDT हैज सेलिब्रेटेड इनकम टैक्स डे, तो CBDT इनकम टैक्स डे कब सेलिब्रेट किए हैं ये बताइए। ए ए ए आंसर दे रहे हो, आंसर बता दिया मैंने, चेक कर लो। मैम मे आई सी योर क्यू, अच्छा मैम मेरे को टिम्पल नहीं आती, प्रीति जिंटा को जाके बोलो फिर। और 25 का ए, 26 बताओ आंसर, हरी अब। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ आई विल स्माइल व्हेन यू विल गिव रॉन्ग आंसर्स, देन आई डेफिनेटली स्माइल। 26 का सी, बिल्कुल आंसर देखिए, ये 26 का सी है, और ये अभी से नहीं, देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से मनाया जा रहा है, 1860 है ना, 1860, ठीक है। और फिर अभी जो है वो सेपरेट हो गया है, इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट को सेपरेट कर दिया, आयकर भवन हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अब बताओ कि, अच्छा पहले ही मैंने यहाँ पे मैप दिया हुआ है तो आप तो बता ही दोगे, जनजाति उत्थान योजना ये कहाँ का है? राहुल पुरी जी का स्टेट है, जनजाति उत्थान योजना, आयकर, हाँ जी आयकर है, ठीक है। प्लीज ऐसे मत करो यहाँ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब बताइए जनजाति राजस्थान का, ये तो पता चल ही हुआ, बिल्कुल 1861 सॉरी। तो राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? रणथंभौर है, क्योला दियो है, क्योला दियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और फिर सरिस्का है, माउंट आबू है, डेजर्ट है, दारा है, और सांभर लेक है, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। कहाँ पे है ये सारे इंपॉर्टेंट जगह? राजस्थान में, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, और आप लोग में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए कोटा गए होंगे, तो वो भी राजस्थान में है। अब बताओ फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, मतलब कि ये लोग महान काम कर रहे हैं, 3D प्रिंटेड और प्रिंटेड से ब्रिज बना दिए, मतलब लाइक रियली सो मच डेवलपमेंट, इज इट पॉसिबल? सर जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स, हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह से आप लोग ज्ञान देते जाइए। मैम ऐसा ना बोलिए सारे आंसर रॉन्ग है, अच्छा जी रॉन्ग हो जाएंगे आंसर्स। स्विट्जरलैंड आंसर नहीं है, नो स्विट्जरलैंड इज नॉट द आंसर, उसको से याद आया तेलंगाना का, हाँ बिल्कुल वो क्वेश्चन भी है देविका शर्मा जी, वो क्वेश्चन भी है, डोंट वरी, लास्ट में हुआ था ना, लास्ट में ऐड किया मैंने। डेनमार्क, डेनमार्क आंसर नहीं है, नीदरलैंड आंसर है, एम्स्टरडम, ठीक है, जहाँ से वो क्वीन वाली मूवी देखी आपने, उन्होंने कंगना रनावत गई थी पेरिस से एम्स्टरडम, वही आंसर है। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हैं आप, सेशन खत्म होने वाला है। अब बताओ वेटरन मराठी पोएट सतीश कालसेकर जो हैं वो कहाँ के हैं? ये मराठी पोएट हैं लेकिन ये कहाँ के हैं? मराठी पोएट है तो महाराष्ट्र ही के होंगे ना। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपसे? क्योंकि इनका निधन हो गया है, और याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कालसेकर, सतीश कालसेकर क्या थे, तो पोएट थे, ठीक है। ये जितने भी निधन वाले हैं ये सब ध्यान रख लो एक बार। अरे तो भी 28 का सी बता रहे हैं, चलो 28 का सी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ 39 हो गई है, पता है मुझे, क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब बताओ कि उत्तर प्रदेश अपना सैनिक स्कूल खोल रहा है, एकदम बोल रहा है कि 100 सैनिक स्कूल खोल लेंगे हम लोग, तो ये पांचवा सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? फिफ्थ सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? नवीन नेगी जी ए बता रहे हैं, ए ए, हाँ महाराष्ट्र, ठीक है। अब फिफ्थ सैनिक स्कूल कहाँ खुला है ये बताइए जल्दी, हरी अप गाइज, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यू हैव टू स्पीड अप, स्पीड अप। And share the sessions, share the session. Tell everyone that 50 best MCQs are being discussed where? On Adda Defense.
बिल्कुल आंसर है गोरखपुर। देखो गोरखपुर में ये फोटो है सैनिक स्कूल का, ठीक है। यहाँ गोरखपुर में फिफ्थ सैनिक स्कूल स्टार्ट हुआ। वाराणसी इज नॉट आंसर। थैंक यू चंदन रॉय। 29 का ए बता रहे हैं, प्रांश प्रकाश भी ए बता रहे हैं। सर गोरखपुर है प्रांश प्रकाश जी आंसर। अब विदाउट डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, आप लोग के पास काफी मोबाइल होता है ना, एक के हाथ में चार चार मोबाइल, तो वो सब आप लोग दान करें। कहाँ पे दान करें वो स्टेट का नाम बताएं, और यामी गौतम भी इस स्कीम से रिलेटेड है, तो ये लोग उस मोबाइल को फिर से रिन्यू करके ये देंगे बच्चों को, ताकि वो पढ़ सके। आपको पता है आप लोग डिजिटल मीडियम से पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी चाहिए मोबाइल ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। तो इसीलिए आप लोग बताइए कि कौन सा वैसा स्टेट है जिसने ये कमाल का योजना शुरू किया है। राम मिश्रा साइबर सिटी ये बता रहे, 30 30 का बता रहे हो अभी तुम लोग, 30 31 आ गया है। हाँ जी 31 का ए है, वेरी गुड। तेजस तेजस दो बार तेजस लिख रहे हो तुम, 31 का ए। हाँ जी संगमा जी बी नहीं है। अरे यामी गौतम से नहीं पता चल रहा है, वो फेयर लवली का एड वाली यामी गौतम याद आया, गौतम में टी छुटा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हाँ जी हिमाचल प्रदेश है। अब बताओ क्लीन, देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मुझे कुछ बोलना है। क्लीन एंड जर्क और स्मैक, ये दो टर्म्स हैं, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टर्म है। अब आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड टर्म है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, स्प्रिंट रेस है, या जैवलिन थ्रो है। रेसलिंग आपको समझ में आता है, वेट लिफ्टिंग समझ में आता है, रेसलिंग कुश्ती, वेट लिफ्टिंग यानी भार जो उठाते हैं लोग। 31 32 का रेसलिंग बता रहे हैं। अच्छा एक होता है कि वेट को वो अचानक से उठा देना, ठीक है, और एक होता है कि स्टेप वाइज उठाना, मतलब कि पहले वो बॉडी का पॉस्चर ऐसे होगा फिर ऐसा होगा। तो जो ये वाला है वो क्लीन एंड जर्क है, और एक बार में उठाना वो स्मैक है। तो ये दोनों वर्ड जो है वो इसीलिए न्यूज में है क्योंकि आपको पता है कि मीरा बाई चानू जो है उनको मिला है सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, और इन्होंने ये वेट किया है, वेट उठाया, और ये देखिए ये जो चीज है ये ऐसे रुक रुक के उठाएंगे ना, ये है क्लीन एंड जर्क, और ये इसने एक बार में उठाया है जो ये है स्मैक। क्लियर। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बहुत ज्यादा न्यूज में। नाउ यू टेल मी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में विमेन को, किस विमेन को मिला है फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फुटबॉलर ऑफ द ईयर किस विमेन। श्रद्धा राउत टुडे यू आर वेरी लेट, किसको मिला है। हरिया गाइज टेल मी द आंसर एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। एवरी टाइम आई टेल दिस ओनली देन व्हेन आई टेल यू द क्वेश्चंस। वेट वेट लिफ्टिंग का स्पेलिंग चेक करो, ठीक है। तो बाला देवी को मिला है, बाला देवी को मिला है, ये देखिए बाला देवी ये इंडियन है, और इनको मिला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इंडिया ऑल इंडिया है तो ओबियसली इन्हीं को मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल बाला देवी को मिला है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भागीरथी अम्मा, भागीरथी अम्मा का डेथ हो गया है, ये क्यों न्यूज में है मैं बताती हूँ। एक स्टेट है जिसका नाम आप लोग बताइएगा, वहां पे एग्जाम हो रहा था कि हम लोग सर्वोच्च सबको शिक्षा देंगे और ऐसे, तो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो रहा था, और ये जो 105 साल की थी तो 105 साल में इन्होंने फोर्थ क्लास, फोर्थ ग्रेड पास किया, क्लास फोर, 1 2 3 4, फोर्थ ग्रेड जॉब वाला नहीं क्लास वाला। तो इनको बोला गया है कि ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, ओल्डेस्ट लर्नेड है, तो ये किस स्टेट की है ये बताइए, केरला की है, वेरी गुड। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये केरला की बिलोंग करती है, यही है भागीरथी अम्मा, और फिर अभी ये शायद फिफ्थ सिक्स में होंगी, तो इनका डेथ हो गया है। अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट इज इनॉग्रेटेड, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट विश्वविद्यालय बैठक किसने इनॉग्रेट किया है। नहीं अब वो 107 साल की थी जब डेथ हुआ है, अब 105 साल की नहीं है। इन्हें नारी शक्ति भी मिली है अवार्ड, ओके नारी शक्ति अवार्ड भी मिली है, ठीक है बहुत ज्ञान मिल गया। इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन में रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोग बताते जाइए, केरला इज द राइट आंसर। अब बताओ कि विश्वविद्यालय इनॉग्रेशन किसने किया है, एंड बिजली आ गई इसी के साथ साथ, जान में जान आई। 35 का बी बता रहे हैं वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू इज द राइट आंसर, इसमें कोई फैक्ट की बात है नहीं, तो नायडू जी हैं उन्होंने किया इनॉग्रेट, एंड गिव मी सम वाटर ऑल्सो। तो 32 समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स जो है वो कहाँ होस्ट किया जाएगा। मैम व्हेन इज योर जनरल साइंस सेशन, जनरल साइंस सेशन आएगा सर, अभी तो पॉलिटी डिस्कस हो रहा है टीचर्स अड्डा पे, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ना है तो आ जाना 9 बजे, 9 PM, पॉलिटी ऑन वेयर नॉट ऑन डिफेंस अड्डा, ऑन टीचर्स अड्डा। बिल्कुल
2032 में कहाँ होगा ओलंपिक? ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। चल ये यू टेन भी दे साड़ी अब। एंड ऑल द फोर ऑप्शंस आर द चीफ जस्टिस ऑफ वन और द अदर स्टेट। पेरिस नहीं है नवीन ने की जी, नो ए भी क्यों बता दो, ब्रिस्बेन। टेल मी द आंसर कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है। हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी है मेलबर्न और सिडनी के बाद जहाँ पे ओलंपिक होने वाला है। पंकज मित्तल जी जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। और देखिए ये जो नारायण स्वामी है, एल नारायण स्वामी, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। राजेश बिंदल लद्दाख के हैं और आर एस चौहान से ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। राघवेंद्र हेलो एक्ट्रेस विशाल, एक्ट्रेस विशाल, विशाल तो लड़का का नाम होता है तो एक्ट्रेस कैसे हो गए, ठीक है। और ये उत्तराखंड के हैं। आई एम सीइंग कि आप लोग गलत गलत आंसर दे रहे हैं, दो सो आई एम स्माइलिंग बहुत सुनो। अब बताओ पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज है, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, ये होता तो चलो ठीक है, यूएसए के साथ भी होता है, इंडिया के साथ भी होता है, यूके के साथ भी होता है, लेकिन इस साल जो है वो कहाँ किस समुद्री तट पे हुआ है? बे ऑफ बंगाल में हुआ है, अरेबियन सी में हुआ है, अटलांटिक ओशन में हुआ है, या फिर अरब सागर में हुआ है, या अरब सागर तो बोल दिया मैंने, इंडियन ओशन में हुआ है। हेलो सुरेश यादव, हेलो एक्ट्रेस विशाल, हेलो। या तो आप एक्ट्रेस हो सकते हैं या तो आप विशाल हो सकते हैं, सो प्लीज़ रीचेक योर नेम। पंकज मित्तल बता रहे हैं, हाँ जी 38 का सी बता रहे हैं, इंडियन ओशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यही आपका पैसेक्स जो है वो हम लोग चेंज करते रहते हैं, हर बार हर साल चेंज होता रहता है, इंडियन नेवी का है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, ये किसका है, ये क्या करेगा? मतलब हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन किस चीज़ का बढ़ाना है? ये जो इंसेंटिव स्कीम है वो मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है कि हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, FDI को बूस्ट करने का कोशिश कर रहा है, या मेक इन इंडिया को बढ़ा रहा है, मेक इन इंडिया को और इन्हांस कर रहा है? Hurry up, tell me the answer of this question and like and share the session and also subscribe the channel. Obviously, you have subscribed it, then only you can comment. Ma'am, मुझे भी करंट अफेयर पढ़ना है। सर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारे सेशंस को देख लो और रोज 7:30 प्रातःकाल सुबह उठ के डिफेंस अड्डा को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। हाँ जी, बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को, आंसर बी है, ठीक है। PLI जो है वो स्टील के लिए। मैम मेरा नेम विशाल है तो आप एक्ट्रेस कैसे हैं? सारंग हेलीकॉप्टर ये डिस्प्ले करने वाला है अपना एयर शो काफी दिनों बाद, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो अब बताओ जल्दी से। जुकोवस्की 39 का बी बता रहे हो, ठीक है। 39 का बी तो सही है, 40 का बताओ। 40 व्हाट इज योर डेली क्लास टाइम? माय डेली क्लास टाइम इज 7:30 AM वेयर ऑन अड्डा डिफेंस, एंड इफ यू वांट टू स्टडी पॉलिटी देन यू कैन ज्वाइन मी 9 PM वेयर ऑन टीचर्स अड्डा। और SSB के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मैं क्लियर करती हूँ 4:30 PM। और आज का सेशन भी गर्ल्स के लिए है, तो अगर आपको जानना है कि अपनी बहन को कैसे भर्ती करना है, कहाँ पे, आर्मी में, तो आप आज का सेशन ज्वाइन कर ले, आज शायद आर्मी या नेवी गर्ल। प्रियांश प्रकाश ए बता रहे हैं, बिल्कुल आंसर ए है। हाँ जी बिल्कुल, नाम से पता चल रहा है ना, तो मॉस्को में है, मॉस्को में ये एयर शो होने वाला है। कौन करेगा? सारंग करेगा। देखो इस तरह से ना बहुत सारा ऐसे ग्रुप होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में। क्लियर गाइस? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेरू के प्रेसिडेंट बने नए, इनका नाम बता दीजिए। आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो मैं जल्दी से नाम बता देती हूँ, यही है नाम, ठीक है। तो ये पेरू के हैं, पेड्रो कैस्टिलो, और ये टेबोमन जो है वो अल्जीरिया के हैं, मेटा है अल्बेनिया के, और फर्नांडिस है अर्जेंटीना के। इतना आप लोगों को घंटा याद होने वाला है, इसलिए आप लोग क्या करिए कि एक बार देख लो एक नज़र, वहाँ पे चमका तो चमका, नहीं चमका तो गया। अब भानु भाकर के साथ कल ही कुछ गलत चीज़ हो गया ओलंपिक में, ये जो पहले तो बताओ किस स्पोर्ट्स की हैं। मैम
HAL है डिजाइन, हाँ जी बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब मानू भाकर जो हैं वो वेट लिफ्टिंग नहीं करती हैं, नो, शूटिंग करती हैं, और कल इनके गन में ये अटक गया था उनका गन, और इस कारण से वो बिल्कुल, हम लोग को विश्वास था कि ये जो हैं वो जीत जाएंगी, इनका पॉइंट 8 आया था, अगर 10 पॉइंट आता तो जीत जाती, इनके गन में कुछ प्रॉब्लम हुआ और ये अटक गया और ये एक इंसिडेंट था, तो मिस आउट कर गई ये 10 मीटर पिस्टल, हाँ जी शूटिंग बिल्कुल, तो यू कैन से दैट इट ब्रोक ड्यूरिंग हर शूटिंग इवेंट, सो दिस वॉज अ वेरी टेरेबल इंसिडेंट फॉर इंडिया, बिकॉज वी वर हैविंग मच मतलब एस्पिरेशन कि उनसे हो जाएगा, हम लोग को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था कि शी विल ब्रिंग अ मेडल टू इंडिया। मानू भाकर बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन था, शी स्टिल अवेलेबल एंड हाँ अभी तो है वो बिल्कुल, सौरभ चौधरी का मिस हो गया है, हाँ ठीक है, आप लोग फॉलो करते रहिए, आज फेंसिंग है, बैडमिंटन है, आर्चरी जो भी बोलो, तो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इफ़ यू हैव सीन माई शॉर्ट्स यू वुड बी नोइंग दिस, मैंने कल इसमें शॉर्ट्स भी बनाया है, और आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को गाइज प्लीज़, बिल्कुल तेलंगाना में है, ठीक है, और इसको जो है आप रामेश्वरम लिखा है, रुदेश्वर होगा, रुदेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं, ककाटिया रुदेश्वरम टेम्पल, और यही आपका रंपा टेम्पल, पहले हमारे पास 38 वर्ल्ड, अच्छा हाँ इसका स्टोरी सुना देना पड़ेगा, एक से देखिए, एक होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मीटिंग, ठीक है, इस बार तो कोरोना के कारण ये वर्चुअली हुआ, इसमें 24 मेंबर है फिलहाल, और अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है, अब ये लोग वोटिंग करते हैं, अब एक कंट्री है नॉर्वे ने कहा कि नहीं भाई इंडिया को क्यों और देना है, ऑलरेडी इसके पास 38 है, रशिया ने कहा नथिंग डूइंग वी विल गिव अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू इंडिया, किसको देना है, रंपा विलेज को देना है, रंपा विलेज को, और ये तेलंगाना में है, तो रशिया ने काफ़ी एफर्ट डाला है और हम लोग को मिल गया है। मैम SSC का क्लास कब चलता है, SSB ना, SSC कहाँ, SSB का क्लास चलता है 4:30 बजे इसी चैनल पे। मैम कल कब होंगे आपके क्लास, कल हमारे क्लास होंगे 7:30 बजे सुबह AM, ठीक है, आ जाइएगा टाइम पे। फेंसिंग नॉट क्वालिफाइड है मैम, आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो, मैं पढ़ाती हूँ हिंदी में, मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ 9 बजे 9 PM, लेकिन इस चैनल पर नहीं पढ़ाती मैं हिंदी में, इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश में, टीचर्स में पढ़ाती हूँ मैं हिंदी में, ठीक है, क्वालिफाइड आई गेस राइट, यस। अब तो प्रियंका मलिक कल बहुत हल्ला हो गया था, अच्छा ये नेशनल नहीं है ठीक है, ये वर्ल्ड होगा, कल बहुत हल्ला हो गया था कि प्रियंका मलिक जो है वो गोल्ड जीत गई हैं, ठीक है, हाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मैंने भी सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए, फिर जब हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि अच्छा बात कुछ और है, गोल्ड जीती हैं लेकिन वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप में जीती हैं, ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड, बहुत लोग जो हैं वो बना लिए थे वीडियो कि ओलंपिक में गोल्ड जीत गई हैं, हाँ ठीक है, आर्चरी में हो गया, ठीक है, इंडिया सब, चाइना एंड रशिया के सपोर्ट ने किया है, चाइना ने सपोर्ट किया है, अच्छा ये तो नहीं पता है मुझे, 44 का भी बता रहे हैं, हाँ रेसलर है ये, ठीक है, ओलंपिक नहीं जीती आराम से, ठीक है, ओलंपिक नहीं जीती, वर्ल्ड रेसलिंग कैडेट जीती है बिल्कुल, हाँ। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको मिल गया है एक गुफा, गुफा में है बहुत सारा पेंटिंग, और ये पेंटिंग जो है वो काफ़ी सदियों साल पुराना है, तो ये मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि ये जो पेंटिंग मिला है, केव पेंटिंग, वो हाल ही में कहाँ मिला है, किस स्टेट में मिला है, प्रियंका मलिक है ना, हाँ जी प्रियंका मलिक है मैम, कोई आपका अपना पर्सनल चैनल भी है क्या जिसपे आप क्लास मिल जाए, नहीं, नो, शिव पनवर दो बार पनवर क्यों, रेसलर 45 का ए, मैम आप हिंदी में कहाँ पढ़ाते हो, टीचर्स अड्डा पे पढ़ाते हो, ठीक है, तो देखिए ये केव है, केव में ऐसा ड्राइंग है, बच्चा बनाया हुआ कोई है ना, तो ये जो है ये फरीदाबाद में है, मांगर बन्नी हिल फॉरेस्ट, और ये बिगेस्ट पेलियोलिथिक है, पेलियोलिथिक नियोलिथिक मीजोलिथिक, ये सब क्लियर है ना हिस्ट्री का, नहीं क्लियर है तो बता दूंगी बाद में, अभी पेलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक ये यहाँ पे लिखा है ऐसे 3 मिलियन से 10,000 साल जो रहता है BC, ये हो गया आपका पेलियोलिथिक, फिर है मीजोलिथिक, और फिर होता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज, ये सब क्लियर होना चाहिए, रेसलिंग स्टार्ट होने का ही हाँ मैचेस है, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन नेविगेटर टू राउंड, देखो ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, यूरोप है, यूरोप से एक आदमी आया जो कि यहीं पर अटक गया केप ऑफ गुड होप में,
और फिर एक आदमी आया जो कि केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर इंडिया के कैलिकट में आया, जैमोरिन ने स्वागत किया। तो मेरा क्वेश्चन ये इंडिया तक पहुंचने वाले का नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे पहले व्यक्ति, उनका क्या नाम है? पेलियो ओल्डेस्ट है, मीजोमिड है, हाँ जी बिल्कुल, और नियो न्यू है। तो ये जो यहाँ तक पहुंचे थे व्यक्ति, उनका नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज है। हाँ, बार्थोलोमियो डियाज है 1488 में। और इंडिया तक कौन पहुंचे थे? वास्को डी गामा पहुंचे थे, कैलिकट में पहुंचे थे। तो यही है। अच्छा, मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस का फोटो दिया, ये क्रिस्टोफर कोलंबस है, इनसे भी मिल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए। और पोर्तुगीज के थे, पुर्तगाल के थे, क्योंकि पुर्तगाल के जो प्रिंस थे वो उनको कहता था प्रिंस हेनरी, ही वॉज द किंग ऑफ वॉयजर। उनको काफ़ी शौक था नए नए सी रूट्स बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमन अम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो अरब ने डोमिनेंस बना लिया, और हम लोग नहीं यूरोपियन लोग इंडिया से लैंड रूट की तरह ट्रेडिंग करते थे, वो कैंसिल हो गया और फिर सी रूट से ट्रेडिंग शुरू हो गया। बिल्कुल, ही इज पुर्तगाल। हाँ, ही इज पुर्तगाल, माई फेवरेट प्लेयर इज ऑल्सो फ्रॉम पुर्तगाल। तो हेडक्वार्टर ऑफ IMF बताओ, हेडक्वार्टर IMF कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरी अब गाइस, वॉशिंगटन बता रहा हूँ। तो IMF का देखिए, ये इसलिए दिया गया ताकि आप लोग रिवाइज कर ले। IMF का जो है वॉशिंगटन में, ठीक है, जेनेवा में, WTO का भी है और WHO का भी है, यूनेस्को है पेरिस में, और यूनिसेफ है न्यूयॉर्क में। याद रहेगा वॉशिंगटन IMF, ठीक है, जेनेवा है WTO और WHO दोनों, उसके बाद पेरिस है यूनेस्को, और न्यूयॉर्क है यूनिसेफ। क्लियर? टुडे वी विल डिस्कस अ मैप ऑफ अफ्रीका, इसको देख लो थोड़ा ढंग से। ये तो होमवर्क क्वेश्चन था, हाँ, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है। तो ये मैप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ये नायल रिवर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ जा रहा है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली, रिफ्ट समझते हैं आप लोग, जैसे कि दो ऐसे प्लेट हैं, दो प्लेट में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होगा तो बीच में एक गड्ढा हो जाएगा, एंड दैट इज रिफ्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग। एक बार मैं बस ऊपर से मैप दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे काम करना है अभी कुछ। सहारा डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रासलैंड हो जाएगा, और ये फिर कालाहारी डेजर्ट है। सो दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, एक बार ढंग से देख लो। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक है, यहाँ पे अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक करंट बहता है, इस करंट का क्या नाम है, और वो वार्म करंट है। आई हैव टोल्ड यू दिस इन वन ऑफ द सेशन कि अगर ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ऊपर अगर कोई करंट जा रहा है या इक्वेटर से नीचे जा रहा है तो वो वार्म करंट होगा, और अगर पोल की तरफ से आ रहा है इक्वेटर में, दोनों पोल से, तो वो कोल्ड करंट होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो करंट बहता है, कैनेडी करंट है, ये बता रही हूँ, वो कोल्ड है, वार्म है, क्या है, ये बताना है फर्स्ट थिंग। एंड देन देखो, फिर से मैप देख लो ढंग से, अच्छे से, है ना। यहाँ पे एटलस माउंटेन, उस दिन मैंने पूछा था, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एटलस माउंटेन है, ये रिवर नाइल है, ब्लू नाइल भी है, ब्लू नाइल इधर ही है कहीं, देख लेना, और ये जाम्बेजी रिवर है, कॉन्गो रिवर है, नाइजर रिवर है। क्लियर है गाइज? सो यू हैव सीन द मैप, नाउ यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अमित कुमार हेलो, बट यू आर वेरी लेट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर वन है कि आपको सहारा डेजर्ट का एक्सटेंट लिखना है। एक्सटेंट बोले तो कि ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट कहाँ से कहाँ तक है, और नॉर्थ से साउथ कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज क्वेश्चन का होमवर्क नंबर वन। अंडरस्टूड? वार्म कैनेडी करंट है ना, ये पूछ रहे हो, बता रहे हो। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉन्टिनेंट के लेफ्ट के वेस्ट साइड अगर कोल्ड करंट बहता है तो वो कोल्ड करंट ठंडा होता है, इसीलिए भारी होने के कारण वो ऊपर नहीं जाता है, और ऊपर नहीं जाने के कारण बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है और बारिश नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। इंडिया के साथ भी सेम होता है, इंडिया में यहाँ पे वेस्ट में जो है कोल्ड करंट है तो ऊपर नहीं जा पाता है, और यहाँ पे थार डेजर्ट है। हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट पोर्शन में यही कहानी है। अंडरस्टूड? अगर वार्म करंट होता तो क्या होता, वो हल्का होता और ऊपर जाता और बादल बन जाता और फिर बरस जाता, तो वहाँ कभी डेजर्ट होता नहीं था। सो ये सब आप लोग क्लियर करो, अब तुम लोग का बात है ये सब, है ना। तो कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है वो बता देना, ये तो बता ही देना। फिर बता देना कि सहारा डेजर्ट का एक्सटेंट, अब ये अगर कोई नहीं बताया तो फिर आई विल किल यू, क्योंकि ये क्लास सिक्स में है, क्लास सिक्स के ज्योग्राफी में। सो
डेजर्ट का बता देना कि एक्सटेंट क्या है, किस डेजर्ट का, सहारा का, नाइल रिवर का ओरिजिन कहाँ है. सो आई हैव टोल्ड यू द मैप, आई हैव शोन यू द मैप. और ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का और फॉरेस्ट है उसका नाम बता देना कि कौन सा ग्रासलैंड है, कौन सा फॉरेस्ट है. दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ इकोटोन्स. अगर दो एक्सट्रीम है यानी कि यहाँ फॉरेस्ट है और यहाँ डेजर्ट है, तो दोनों के बीच में ना फॉरेस्ट रहेगा ना डेजर्ट रहेगा. क्या रहेगा? ग्रासलैंड रहेगा और वहाँ का स्पीशीज का हाइब्रिड काफी हाई रहेगा. क्यों? क्योंकि वो इकोटोन है, दो एक्सट्रीम जोन का मिक्स है. अंडरस्टूड? एक कंसेप्ट ये हो गया. फिर एक कंसेप्ट है कि जहाँ रिवर, जैसे कि रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र आके बनाती है डेल्टा, और ओशन रिवर जहाँ मिलती है, तो वहाँ पे वाटर इज ब्रैकिश. ना वो स्वीट है ना ही वो सॉल्ट है, वो ब्रैकिश है. तो वहाँ पे भी स्पीशीज बहुत हाई मिलती है, लाइक फिशेज एंड योर रॉयल बंगाल टाइगर. अंडरस्टूड? क्लियर कंसेप्ट. मैम इंडिया के फुल वेस्ट साइड में डेजर्ट है ना, इंडिया के फुल वेस्ट साइड में. वेस्ट साइड में फुल, फुल का क्या मतलब? ऐसे तो वेस्टर्न घाट्स भी है ना, यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट्स भी है. ये वाला पोर्शन में डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, जो कि पाकिस्तान की ओर बढ़ते जा रहा है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द सेशन. एनी डाउट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइज प्लीज, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट. टेल योर फ्रेंड्स दैट ऑसम सेट ऑफ 50 MCQs आर बींग डिस्कस्ड ऑन डिफेंस अड्डा. आर बींग नहीं, अब तो डिस्कस हो गया है. तो टेल देम टू वॉच इट, भले वो इंटू टू की स्पीड में देख ले, लेकिन देख ले. और दिस इज द सेशन. थैंक यू. वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज रिवर नाइल. येस. और सबसे ज़्यादा अमाउंट पानी किस में रहता है? अमेजोन में रहता है. एंड अमेजोन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एज द लंग ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द सेशन. एनी डाउट यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.